गर्भ में लड़का किस साइड होता है, दाहिने या बाएं, ऊपर या नीचे, या गर्भ में जब बच्चा लात मारता है तो वो किस जगह पे मारता है। ऐसे ही 5 खास बदलाव जो कि आपके पेट में आपको महसूस होगा, जिससे आप पता कर पाएंगे कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत ही खास वीडियो है, और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट और तो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो, जैसे ही आप कंसीव करते हैं उस दौरान जो प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आता है वो यही होता है कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। आप और आपके फैमिली में और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं सब आपको देख के तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी अपनी सुनी सुनाई बातों को आपसे डिस्कस करता है कि अच्छा आपके अंदर ये बदलाव है तो पक्का बेटा होगा, ये बदलाव है तो पक्का बेटी होगी। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव से ली गई हैं, ऐसी ही बातों क्या आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बातें जो होती हैं इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सुनी सुनाई बातें हैं या ये जो लक्षण सिम्टम्स होते हैं ये आपको 100% सटीक तरीका नहीं बताते हैं या 100% सही रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सबकी बॉडी अलग होती है तो सबके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है एक ही माँ के दो बच्चे हैं, दोनों, हो सकता है बेटा हो या बेटी हो, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हों, तो कई बार हो जाता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम औरतों में ये जो लक्षण पाए जाते हैं वो काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगाने में आपको मदद कर देते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। कुछ ऐसे खास लक्षण होते हैं जो लड़का और लड़की में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि अच्छा ये लक्षण लड़के का है, ये लक्षण लड़कियों का है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो 5 खास बदलाव जो कि दूसरी या तीसरे तिमाही में आपको अपने पेट में दिखेगा। जी हाँ, मैं टमी की बात कर रही हूँ। जब आपका बेबी कंसीव करते हैं और धीरे धीरे ग्रो करता है तो आपके पेट में क्या क्या बदलाव आता है और वो बदलाव किस तरफ इशारा करते हैं, उनसे आपको क्या संकेत मिलता है कि आप पता कर पाएंगे कि घर में बेटा है या बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे खास जो लक्षण होता है, सिम्टम होता है या बदलाव होता है, वो होता है आपके पेट का आकार। आकार के बारे में हम अक्सर बात करते हैं और ये काफ़ी सटीक लक्षण होता है। ये एक कहते हैं ना 70-80% तक इसका रिजल्ट काफ़ी हद तक सही देखा गया है कि आपके पेट का जो आकार होता है ना उससे भी काफ़ी हद तक सही अनुमान लगाया जा सकता है। होता क्या है, देखिए पेट निकलने का ना दो तरीका होता है, दो शेप आपको अक्सर दिखता होगा कि आपका जो पेट है या तो लंबाई में निकलता है या फिर गोलाई में निकलता है। ठीक है, तो लंबाई में निकलने का मतलब है कि आपका पेट जो है वो सीधे सीधे नीचे की तरफ, निचला पार्ट जो है आपका पेट का वो लुढ़का हुआ सा, आगे की तरफ ढलका हुआ सा वैसा महसूस होगा कि आगे की तरफ ही भाग रहा है, नीचे की तरफ आपका पेट भाग रहा है। तो अगर आपका पेट बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ निकला हुआ है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पेट का जो आकार है वो बिल्कुल गोलाई में फुटबॉल की तरह बिल्कुल आपको ऐसा शेप दिख रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से पेट का जो दो शेप होता है, गोलाकार या फिर आगे की तरफ लुढ़का हुआ, इससे भी आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं दूसरे खास बदलाव की जो कि आपको अपने पेट में होगा, और ये प्रश्न अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बच्चे का साइड कौन सा है। जी हाँ, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि लड़का अगर होता है तो वो पेट के किस साइड होता है, लड़की किस साइड होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्रेग्नेंट औरतों से आप बात करेंगे तो वो अक्सर बताएंगी कि मुझे अपना बच्चा ज़्यादातर दाहिने साइड यानी राइट हैंड साइड फील होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अपना बच्चा बायां साइड फील
नहीं होता है। तो क्या साइट से भी बच्चे को पता किया जा सकता है उसके लिंग के बारे में? तो देखिए, अगर हम पुरानी बातों को माने, पुराने विचारों को माने, तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला होती है, अगर उसके शरीर को यहाँ से बीचों बीच उसके पेट को बांटा जाए तो जो दाहिना साइड होता है वो लड़के का होता है और जो बायां साइड होता है वो लड़कियों का होता है। दाएं बाएं में आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दायां होता है सीधा यानी राइट हैंड साइड, बायां होता है उल्टा यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो अगर आपको अपने पेट में ये खास बदलाव दिख रहा है कि आपको अगर नाभि से बीचों बीच पेट आपने बांट दिया, दायां साइड का पेट अगर बाएं साइड के पेट से हल्का सा ऊंचा, हल्का सा उभरा हुआ महसूस होता है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। या हम और भी मतलब कुछ दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे का होना दाहिने साइड महसूस होता है, आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल करता है या उसका तनाव भारीपन आपको दाहिने साइड के पेट में ज़्यादा महसूस होता है, तो ये लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड का पेट दाएं साइड के पेट से हल्का सा ऊंचा है या बच्चे का होना वहाँ आप महसूस करते हैं उसका भार, तनाव, हलचल, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप बिल्कुल जब सीधे सोएंगे ना तो आपका पेट ऐसे दिखेगा, तो पेट को आप देख सकते हैं कि दायां बायां किस साइड का पेट हल्का सा ऊंचा है और किस साइड का पेट जो है वो हल्का सा नीचा है, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा एक और बदलाव जो होता है आपको अपने पेट में, और अक्सर आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेट के ऊपरी हिस्से में या फिर निचले हिस्से में, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि घर में जो बेटा होता है ना वो नीचे की साइड होता है, मतलब नाभि से आप पेट को अगर बांट दें तो निचले वाले हिस्से में बिल्कुल आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर, अगर वहाँ पर बच्चे की हलचल या बच्चे का तनाव भार ये चीज़ें आपको महसूस हो रही है, बच्चे का होना कुल मिला के अगर नीचे महसूस हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर अगर लड़की होती है ना तो वो आपको अपने पेट के ऊपरे हिस्से में महसूस होती है, उसका लात, उसका किक जो होता है ना वो आपको अपने पसलियों के पास महसूस होगा, ना कि नीचे, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लॉजिक कुछ नहीं है या साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि घर में जो बेटे होते हैं वो लड़कियों के कंपेयर में हाइट में, आकार में और वेट में, तीनों चीज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है ना, वेट अगर ज़्यादा है तो वो निचले हिस्से में रहते हैं, वेट थोड़ा कम होता है तो वो ऊपर के हिस्से में होते हैं। इस बात का कोई प्रमाणित तरीका नहीं है, साइंस नहीं मानता है, लेकिन हाँ ऐसा पहले के लोग मानते थे और इसीलिए हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास बदलाव की, जो कि आपको अपने पेट में महसूस होता है, वो होता है एक भूरी काली लाइन जो कि गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती महिला के पेट पे बन जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो होती है लीनिया नाइग्रा लाइन। लीनिया नाइग्रा लाइन मैं बता चुकी हूँ कि गर्भावस्था के दौरान आपके पेट पे हो सकता है चेस्ट से लेकर मतलब बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, नाभि से होते हुए नीचे तक गई होती है। और एक और चीज़ होता है कि कुछ औरतें कमेंट करती हैं कि मैम मेरी नहीं बनी है या फिर लाइट सी बनी है, तो इस टाइप की चीज़ें, देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, लीनिया नाइग्रा जो लाइन होती है भूरी काली सी, उससे आपके बच्चे के स्वास्थ्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं बनी है तो बच्चे के हेल्थ इशू हो सकते हैं या आपकी बन गई है तो बच्चा बहुत हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीनिया नाइग्रा लाइन जो होती है वो बच्चे के स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि पेट में ये बदलाव दिखता ही दिखता है, कुछ लोगों को जल्दी दिख जाता है, कुछ लोगों को लेट बनता है, कुछ लोगों को नहीं भी बनता है। तो देखिए इससे हम कैसे पता कर सकते हैं, इससे दो चीज़ें नोटिस करना है आपको लीनिया नाइग्रा में, कि लीनिया नाइग्रा की लेंथ कितनी है। ठीक है, मतलब लीनिया नाइग्रा अगर बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सीधी बनी है तो कहते हैं लड़का होने की तरफ इशारा करती है, वहीं अगर बीच में कहीं भी टेढ़ी है, मुड़ गई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। एक और चीज़ लेंथ को लेके नोटिस किया जाता है कि अगर लीनिया नाइग्रा लाइन जो है वो आधी बनी हुई है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, वहीं अगर लीनिया नाइग्रा जो लाइन है वो पूरी ऊपर से नीचे तक बनी हुई है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करती है। ये थे चार खास बदलाव जो आपको अपने
पेट में स्पेशली दिखेगा, और पेट में आए हुए इन बदलावों को देख के आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।